हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार और खास वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को गूगल में फास्ट इंडेक्स और अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना चाहते हैं, यानी कि टॉप 10 पेजेस में लेकर के आना चाहते हैं, तो आज का यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करके बोलते हैं, और ऐसे भी मेरे जो व्हाट्सएप पे या ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं वो लोग सब लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल में दिखती है अगर लिखते हैं तो, यानी कि सर्च में दिखती है, अगर हमारी वेबसाइट नहीं दिखती है क्यों। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और उन सब रीजंस में से मैं कुछ टॉपिक्स आज के दिन में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, और हमारे SEO ब्लॉग लर्नर पर, यानी कि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे पर दबाते टाइम पर ऑल पर टिक करें, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए SEO ब्लॉग लर्नर पर, SEO से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको मिले आपके मोबाइल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना। चलिए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। तो दोस्तों जो पहला तरीका है वो है जो कि हम लोग जिसको बोलते हैं सोशल बुक मार्केटिंग या बुक मार्किंग। तो ये जो पहला तरीका है, पहले तरीके के अंदर आता है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और ये रेडिट। लेकिन सबसे पहले अब मैं आप लोगों को इन 5 वेबसाइट के बारे में बता दूं, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जिसको हम लोग सोशल बुक मार्केटिंग हम लोग बोलते हैं, सोशल बुक मार्किंग। तो सबसे पहला ये जो टॉपिक है, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप लोग वेबसाइट में पेजेस क्रिएट करते हैं, यानी कि या आप लोगों का फेसबुक में पेज क्रिएट करना होता है, तो फेसबुक में जब आप लोग पेज क्रिएट करेंगे तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब आप लोग फेसबुक में पेज बनाएंगे तो साथ में आप लोगों को अपनी वेबसाइट के लिंक और साथ में अपने पोस्ट को हर हफ्ते या कभी कभी आप लोगों को वहां पर अपलोड करते रहना है। यानी कि जैसे कि देखिए, मैंने एक पोस्ट मैंने मेरा यहाँ पर अपलोड किया है, वैसे ही मैंने देखिए ट्विटर पर भी सेम किया है। यहाँ पर देखिए मैंने मेरा एक पोस्ट, एक वीडियो, इस टाइप के मैं करते रहता हूँ। ऐसे देखिए यहाँ पर भी मैंने सेम किया है, लिंक्डइन पे भी। यहाँ पर ये मेरा एक पेज है और इस पेज में देखिए मैंने मेरा एक वीडियो यहाँ पे छोड़ा है, यानी कि लीव किया है। अब वैसे ही देखिए यहाँ पे पिंटरेस्ट पे हजारों करोड़ों लोग अपनी रोज पोस्ट को लीव करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं बाय शेयरिंग करके। यहाँ पे अपने सिर्फ लिंक को शेयर करते हैं, ऑटोमेटिक उनका जो पोस्ट होता है कुछ इस प्रकार का दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को शेयर करना होगा। चलिए जैसे कि मैं समझ लीजिए कोई भी ये एक ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद देख रहे तो इसने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। वैसे ही यहाँ पे ये एक रेडिट का अकाउंट है, यहाँ पर भी मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दे दिया है और साथ में अपनी वीडियो जो ये मेरी कल की है वो मैंने इसमें बताया है और दिखाया भी है, और यहाँ पे लिंक भी छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर मैंने लिंक भी छोड़ा है मैंने मेरे वेबसाइट का। तो ये पहला तरीका है। तो दोस्तों दूसरा तरीका है कि किसी भी वेबसाइट पर जा करके, यानी कि समझ लीजिए मैंने एक पोस्ट लिखा है पढ़ाई कैसे करें, हिंदी में हो या इंग्लिश में कुछ फर्क नहीं, लेकिन समझ लीजिए जब मैंने जो टॉपिक पे लिखा है उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं गूगल में सर्च करूंगा पोस्ट को, और उसी से रिलेटेड टॉपिक को सर्च करने के बाद मैं उन सब पोस्ट को ओपन करूंगा, उन सब में जाकर के मैं कमेंट करूंगा। इसको बोलते हैं ब्लॉग कमेंटिंग, और इसी को हम लोग ब्लॉग कमेंटिंग के जरिए देखने वाले हैं 3 साइट को। तो दोस्तों सबसे पहला जो पोस्ट होगा, यानी कि समझ लीजिए मैंने 3 पोस्ट ओपन कर लिया है, ये 1 2 3। अब जैसे कि समझ लीजिए जो पहला तरीका है, अब जैसे कि ये समझ लीजिए इसने लिखा है पढ़ाई कैसे करें 10 बेहतरीन टिप्स। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे नीचे जाना है इस पोस्ट के, और यहाँ पर देख रहे तो ये बहुत सारे लोगों ने वैसे कमेंट किया है इस पे, 3 4 5 लोगों ने। यहाँ पे भी आपको अपना कमेंट लिखना है, जैसे कि आपको लिखना है इस कमेंट के इसी पोस्ट से रिलेटेड आप लोगों को भी कमेंट लिखना होगा, जैसे कि आपकी पोस्ट अच्छी है, मुझे अच्छा लगा पढ़ करके। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपने वेबसाइट का नाम मत लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, अपने वेबसाइट का लिंक डालना है और पोस्ट कमेंट करना है, वैसे दूसरे में भी करना है। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे जाना है, इसमें भी कमेंट किया है बहुत सारे लोगों ने। कमेंट में आप लोगों को इसी पोस्ट से रिलेटेड लिखना है, फिर नेम, फिर ईमेल आईडी और वेबसाइट अपना डालना है, और फिर पोस्ट कमेंट कर देना है इसी तीसरे में भी। इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉग ब्लॉग को कमेंट करना, यानी ब्लॉग में जाकर के किसी के भी ब्लॉग में जाओ और कमेंट करो। तो वो लोग जब ब्लॉग को देख लेंगे, यानी कि जब हमारा कमेंट उन लोगों के पास पहुंच जाएगा, जब वो लोग रिव्यू कर लेंगे तो हमारी पोस्ट को भी, यानी कि ये जो हम लोग ने कमेंट किया है उसको इस तरह पब्लिश कर दिया जाएगा। तो जैसे कि देखिए ये पहला, इस सबसे पहले कमेंट में आप लोगों को कमेंट लिखना है इसी पोस्ट से रिलेटेड, फिर अपना नाम, ईमेल आईडी और वेबसाइट अपना डालना है, और फिर पोस्ट और कमेंट पे कर देना है क्लिक। फिर आपका जो पोस्ट है, यानी कि ये जो कमेंट किए है पोस्ट होने के बाद, वो जो इसका एडमिन है उसके पास जाएगा, और फिर वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद आपकी जो वेबसाइट उसको अगर ठीक लगी तो वो डायरेक्ट पब्लिश कर देगा। तो ये दूसरा तरीका था। तो दोस्तों जो तीसरा टॉपिक है वो है फॉरम्स। तो दोस्तों फॉरम एक्चुअल में क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को 3 पोस्ट के जरिए बताता हूँ।
तो देखिए मैंने तीन पोस्ट ओपन करके रखा है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीन पोस्ट है जिसको मैंने ओपन कर लिया है। एक्चुअल में ये क्या काम करता है और किस लिए होता है, तो उसके लिए मैं जस्ट एक एग्जांपल शॉर्ट में दे देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए आप लोगों को कुछ पता नहीं है, अगर आप लोग उस चीज के बारे में पता करने जाएंगे यानी कि गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। आप लोगों के समझ लीजिए कुछ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर हजारों में होंगे। तो वही काम यहाँ पर होता है। जैसे कि समझ लीजिए आप लोगों को ये पता नहीं है कि समझ लीजिए जैसे कि मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, ये आप लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे गूगल में सर्च करेंगे तो उसी का आंसर आप लोगों को गूगल देगा। वही काम यहाँ पर आप लोग हजारों लोग देते हैं। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना है, फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लोगों से वो पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। अगर आप लोग समझ लीजिए उस क्वेश्चन समझ लीजिए दूसरे ने क्वेश्चन पूछा है और आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो आप लोग क्या करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है तो साथ में आप लोगों को पता होगा कि अपने वेबसाइट पर भी, समझ लीजिए मैंने मेरे वेबसाइट पर उसी जो दूसरा बंदा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन का ही आंसर मैंने मेरे वेबसाइट पे देख रखा है, तो मैं क्या करूंगा मैं मेरे वेबसाइट का लिंक वहां पे छोड़ दूंगा और बोलूंगा कि इस वेबसाइट पर जाओ और इस पोस्ट को पढ़ लो, आप लोगों आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर है मिल जाएगा। तो ये होता है ये यानी कि फॉर्म काम यही करता है, फॉर्म पे यही काम होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर कोई भी यहाँ पे गूगल में जाइए सर्च कीजिए फॉर्म और बहुत सारी फॉर्म की वेबसाइट्स आ जाएगी आपके सामने। वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए, अकाउंट बनाइए और अपना वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पे छोड़िए और बहुत सारा एंजॉय भी कर सकते हैं वहां पर। यानी कि आप लोग जैसे क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं उसका आंसर देंगे और साथ में आप लोगों की वेबसाइट भी वहां पर चली जाएगी, फेमस भी हो जाएगी, यानी कि उस तरह से आप लोगों की वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो अब ये तीसरा जो टॉपिक था आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक्चुअल में क्या काम करता है। तो दोस्तों जो कि चौथा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल सबमिशन। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समझ लीजिए दूसरे की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर के आप लोगों को गेस्ट पोस्टिंग जिसको हम लोग साधारण सिंपल भाषा में बोलते हैं ये होता है सबमिशन यानी कि आर्टिकल सबमिशन। तो सबसे पहले चलिए मैं तीन वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये तीन वेबसाइट है, पहला दूसरा और ये तीसरा। अब ये तीन वेबसाइट जो है दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आप बहुत सारे आप लोग अगर गूगल में सर्च करेंगे आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट लिस्ट तो बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट आ जाएगी। आप लोग उन सब में जाकर के खुद का यूनिक कंटेंट लिखना होगा। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो लोग सबमिट नहीं करेंगे यानी कि पब्लिश नहीं करेंगे। तो आप लोगों को अपना खुद का कंटेंट लिखना होगा, कम से कम 400 से 500 वर्ड, कम से कम, उससे ज्यादा रहेगा तो और भी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हो तो जो तीन वेबसाइट जो मैंने ओपन किया है, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो तो सबमिट आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, या यहाँ पर देख रहे हो तो सबमिट कंटेंट्स। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा यानी कि किसी भी वेबसाइट पर अगर आप लोग अपना आर्टिकल डालना चाहते हैं, रजिस्टर करवाना चाहते हैं या पब्लिश कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर आप लोगों को उन सब उन लोगों की जो क्राइटेरिया है उसमें आप लोगों को पोस्ट लिख करके देना पड़ेगा यानी कि जो उन लोगों का टॉपिक है उसी से रिलेटेड आप लोगों को भी टॉपिक पे उसी टॉपिक पे रिलेटेड उन लोग से रिलेटेड टॉपिक पे आप लोगों को पोस्ट कमेंट ये आप लोगों को ये सबमिशन करना होगा आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे में भी वैसे ही देखिए स्टार्ट राइटिंग यहाँ पे ज्वाइन करना होगा, फिर आप लोगों को इन लोगों को आप आर्टिकल लिख करके दे सकते हैं वैसे फ्री में। लेकिन आप लोगों को इसमें क्या करना है, जब आर्टिकल लिख करके देंगे तो आप लोगों को अपनी वेबसाइट का भी लिंक इसमें डालना होगा एक जगह पे कहीं पर। तो जैसे कि सबमिट आर्टिकल यहाँ पे देख रहे हैं तो इस पे भी क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले तो अकाउंट ही ओपन करने के लिए बोलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टिकल ऑथर नेम क्या होगा, आपका नाम अपना लिखना, ईमेल आईडी, और यहाँ पे आर्टिकल टाइटल, आर्टिकल का कैटेगरी क्या है, आर्टिकल बॉडी, और यहाँ पे देख रहे हैं तो और भी कुछ रिसोर्सेस बॉक्स है और ये बहुत सारी चीजें पूछता है। इसमें तो कमी चीज पूछा गया है तो आप लोगों को इजीली ये सब फिलअप कर लेंगे। तो ये तीसरा ये जो चौथा पॉइंट था जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल सबमिशन, ये भी कम्प्लीट होता है। तो दोस्तों जो पांचवा टॉपिक है वो है डायरेक्टरी सबमिशन। चलिए हम लोग तीन वेबसाइट को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे तो ये पहला वेबसाइट है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। तो जैसे कि समझ लीजिए पहला जो वेबसाइट है, देखिए डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, एक्चुअल में हमारी जो वेबसाइट होती है हमारी वेबसाइट का लिंक सिर्फ छोड़ना होता है डायरेक्टरी सबमिशन में। तो यहाँ पे क्या होना था, सबमिट लिंक पे क्लिक करना है, अपनी वेबसाइट का नाम, लिंक और जो फीडबैक यूआरएल जो होता है ये सब वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो जैसे कि देख रहे होंगे तो आप लोगों को अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि समझ लीजिए मैं एजुकेशन से रिलेटेड लिखता हूँ तो एजुकेशन पे क्लिक कर दूंगा। फिर जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो तो सबमिट योर साइट यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे जगह पे आप लोगों को ढूंढना भी पड़ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो तो सबमिट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे करके आप लोगों को बहुत सारे जगह पे आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए फ्री भी होते हैं पेड भी होते हैं, तो हम लोग फ्री वाला करना चाहते हैं, फ्री में पेड करना चाहते हैं, तो अपने को करना क्या है, जैसे कि देख रहे हैं तो ये वाला इस पे क्लिक करना है फ्री, ये भी फ्री है लेकिन इसमें गारंटी नहीं है। तो आप लोगों को इसके अंदर
कुछ जो कि ये वाला जो लिंक होता है ये रेसिपोरियल, वो आप लोगों को ये लिंक भी आप लोगों को पेस्ट करना होता है, लेकिन ये वाला करेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं, डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट आप लोग सबमिट कर सकते हैं। देखिए मतलब ये वाला लिंक डालने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं डालना, लेकिन अगर आप लोग दो एक दो दिन में ऐड कराना चाहते हैं वेबसाइट डायरेक्टरी में, तो आप लोगों को ये वाला टिक करना पड़ेगा, और लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये लिंक भी डालना पड़ेगा यहाँ पर, और ये जल्दी मिलता भी नहीं, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये वाला सिलेक्ट करना है, टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, अपने वेबसाइट का नाम, यूआरएल, अपना नेम, ईमेल आईडी, कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है, इसको कैप्चा को यहाँ पे भरना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। वैसे सेम सब में करना होगा, तो सब में सब कुछ सेम है, यहाँ पे कहीं पे कुछ कम पूछेगा, कहीं पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो डरने की जरूरत नहीं, आप लोग फटाफट सब भरना होगा, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा आप लोग जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आप लोगों की वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा गूगल में सर्च इंजन में आने लग जाएगी जल्द से जल्द। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है। तो देखिए अभी जो ये मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर तीन वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया है, जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, और इसको हम लोग बोलते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन आंसर वेबसाइट, जो कि मैंने तीन टॉप तीन वेबसाइट को ओपन किया है। तो पहला जो है वो कोरा है, फिर दूसरा है answer.com, और तीसरा जो है ask.fm। ये बहुत ही फेमस ये तीनों वेबसाइट है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग जरूर इस पे अकाउंट बनाना, अपने वेबसाइट का लिंक छोड़ना, और ये भी उसी प्रकार काम करता है जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फॉरम्स के अंदर, कि जैसे कि समझ लो क्वेश्चन आंसर जो होता है वही सेम काम यहाँ पे होता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं अपने ब्लॉग के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए, यानी कि अपना वीडियो शेयर करके, अपना ब्लॉग पोस्ट का, यानी कि आपका जो भी ब्लॉग होगा, वेबसाइट होगा, उसका लिंक शेयर करके आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं। तो जैसे कि देखिए इसने एक क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पर देखेंगे तो 34 आंसर दिया है बहुत सारे लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि इसने थोड़ा बहुत इसने एक दो तीन चार लाइन में बताया है, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक इसने छोड़ दिया है इसी में। तो ऐसे आप लोग अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ सकते हैं, अपनी वीडियो का लिंक छोड़ सकते हैं। इसने क्या किया देखिए, इसने देखिए इसने कोरा को इसमें इसने ऐड कर दिया है, फिर आस्क एफएम को, फिर इसने बहुत सारे ऐसे और भी साइट्स को ऐड कर दिया है, तो इसमें से तीन साइट को लिंक जा रहा है। वैसे आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए ऐसी प्रकार का लिंक छोड़ सकते हैं, जिससे ये तीनों वेबसाइट में वैसे ही क्वेश्चन करके आंसर दे सकते हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आपके पास है तो दीजिए, और आप लोग अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ दीजिए, हो गया। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन आंसर का ये जो पाँच छवा। तो दोस्तों जो सातवां टॉपिक है वो है इमेज सबमिशन, यानी कि कोई भी फोटो लेना है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड ही, यानी कि समझ लीजिए मैं ऑनलाइन अर्न मनी के टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा वीडियोस या कुछ लिखता हूँ, तो मैं वही चीजें से रिलेटेड एक वीडियो एक फोटो बनाऊंगा, और उस फोटो में क्या करूंगा, जैसे कि समझ लीजिए एक फोटो किसी ने छोड़ा है, और इस वेबसाइट पर आकर के देखिए उसने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे, लिंक नहीं, इसको हम लोग एक अपना वेबसाइट का नाम लिख दिया है इस फोटो के अंदर। तो जैसे कि समझ लीजिए किसी को कुछ अगर समझ लीजिए अपनी वेबसाइट पर जाना है, यानी कि समझ लीजिए फोटो अच्छा लगा, तो क्या करेगा, इस वेबसाइट पर को गूगल में सर्च करेगा और डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच जाएगा जहां से ये फोटो उसने डाला है, यानी कि समझ लीजिए इस वेबसाइट के प्रचार भी हो गया और साथ में ये फोटो अच्छा लगा है, तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि अभी समझ लीजिए ये वाला फोटो है, या ये कोई भी एक फोटो ले लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए ये वाला, तो ये फोटो में देखिए, तो जैसे कि अभी देखिए ये एक वेबसाइट है, इसमें भी इसने क्या किया समझ लीजिए, जैसे कि ये वाला एक फोटो है, ये एक एग्जाम्पल दिया है कि इसी तरह आप लोगों को इस वेबसाइट पर भी छोड़ना होगा। तो जैसे कि देखिए इसने अपनी वेबसाइट का ही इसने खुद का यहाँ पे अपने वेबसाइट का प्रचार कर दिया है, तो ऐसे आप लोगों को भी करना है। समझ लीजिए ये फोटो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इस वेबसाइट को मैं गूगल में सर्च करूंगा और डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच जाऊंगा, ताकि मुझे और भी इस टाइप की जानकारी मुझे मिल सके, या फोटो है तो फोटो मिल सके। तो ये होता है इमेज सबमिशन, यानी कि अलग अलग वेबसाइट पर जाना है और वहां पर अपनी एक इमेज को ही आप लोग 10 वेबसाइट पर जाकर के सबमिट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप लोगों को अपनी वेबसाइट का नेम उसमें लिखना जरूरी है, ताकि जो लोगों को पसंद आए तो वो आप लोगों की वेबसाइट को विजिट कर सके। तो ये था हमारा इमेज सबमिशन। तो दोस्तों ये जो आठवां टॉपिक है वो है वीडियो सबमिशन, जैसे कि इमेज सबमिशन था तो अब ये वीडियो सबमिशन। अब वीडियो में क्या होता है कि जैसे कि समझ लीजिए आप लोग खुद बताएंगे, बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो देखा है होगा कि उसमें बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट को भी बता देते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, इसी तरह की वेबसाइट आप लोग बना सकते हैं या कुछ भी, या अपनी वेबसाइट का वहां पर नीचे नाम लिख करके आता रहता है बहुत सारे लोगों के वीडियो में। अब जैसे कि देखिए मैंने ये एक वीडियो बनाया था कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं ब्लॉगर पे, तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही मैंने बढ़िया वेबसाइट बना करके दिखाया भी है और समझाया भी है, तो इस वीडियो को
देखना चाहते हैं तो देखिए, ताकि अगर आप लोग भी अगर ब्लॉगस्पॉट पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं फ्री में तो इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने मेरे वेबसाइट का लिंक दिया है, जिससे कोई अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और भी अधिक जानकारी चाहता है इस वीडियो के बारे में या कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकता है और विजिट करेगा तो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर पहुंचेगा। तो ये होता है वीडियो सबमिशन। वैसे करके आप लोग वीमो, वाइन और फेसबुक जैसे वेबसाइट पर जाकर के आप लोग वीडियो को सबमिट कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे विजिटर्स आपकी वीडियो से प्रभावित होकर के आपकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं 100%। तो ये था हमारा आठवां टॉपिक। जो नौवां टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो नौवां टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट शेयरिंग का, तो डॉक्यूमेंट शेयरिंग में जैसे कि समझ लीजिए बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं कि वो लोग एक पीडीएफ फाइल या टीएक्सटी फाइल या समझ लीजिए एक पीपीटी होता है, उसमें आप लोग वो लोग क्या करते हैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं। अब जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर ये मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है, आप लोग अगर ऐसे पीडीएफ से रिलेटेड जानकारी ज्यादा चाहते हैं कि कैसे ये सब किया जाता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छे से बता सकूं अगर आप लोग का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये इस प्रकार की वेबसाइट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड फुल टीएक्सटी पीडीएफ। आप लोग यहाँ पे डाउनलोड साइटेशन पे भी दबा करके कर सकते हैं या डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अब ये जो पहला वेबसाइट था, ये दूसरा देखिए डाउनलोड नाउ, ये पीडीएफ यानी कि मेक मनी ऑनलाइन, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ उसके रिलेटेड इसमें पीडीएफ में टॉपिक्स दिए गए हैं जिससे मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, वो सब पढ़ करके पैसे कमा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इसमें भी वैसे ही बताया गया है, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे गूगल के जरिए डाउनलोड करना पड़ेगा, तो गूगल से लॉग इन भी करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर हम लोग ये जो पीडीएफ दिया गया है इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 21 तरीके बताए गए हैं पैसे कमाने के। वैसे यहाँ पर देखिए ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी इसने पीडीएफ दे रखा है, देखिए यहाँ पे चेक हियर क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सब जो ये पीडीएफ फाइल्स यानी कि बुक्स हैं वो सब डाउनलोड हो जाएगा और मैं इसको इजीली पढ़ करके पैसे कमा सकता हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों का जो वेबसाइट है, जो टॉपिक पे भी आपका वेबसाइट है, उस टॉपिक से रिलेटेड एक पीडीएफ बनाइए, उसको आप हर एक जगह पे सबमिट कर दीजिए। जैसे कि समझ लीजिए जहाँ जहाँ पे शेयरिंग की वेबसाइट है, जैसे कि समझ लीजिए गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, इस टाइप की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के सबमिट कर दीजिए, या अपने ही वेबसाइट पर सबमिट कर दीजिए यानी कि पोस्ट डाल दीजिए और उसमें डाउनलोडिंग लिंक लगा दीजिए, और जो लोगों को पसंद आएगा वो लोग डाउनलोड करेंगे और उसको पढ़ेंगे और आपकी वेबसाइट को भी विजिट करेंगे, उसमें अपना लिंक छोड़ देना। तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट शेयरिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट के जरिए अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर के आना। और अब हम लोग बढ़ते हैं 10वें टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ये जो 10वां टॉपिक है ये है वेब 2.0। ये क्या होता है वो अब आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चीज कि इसमें जैसे कि समझ लीजिए बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, पहले वो क्या होता था 1.0 था, अब 2.0 है। जैसे कि समझ लीजिए 1.0 में क्या होता था कि जैसे कि पहले बहुत सारी वेबसाइट होती थी लेकिन हम लोग उन सब वेबसाइट पर जाकर के सिर्फ चीजें पढ़ सकते थे, उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते थे, यानी कि हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके बारे में हम लोग लिख भी सकते हैं या अपना खुद का कंटेंट भी वहां पर डाल सकते हैं। अब जैसे कि समझ लीजिए wordpress.com, blogger.com या जूमला या इस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट, blogspot.com, ये मैंने जैसे कि समझ लीजिए facebook.com, ये सब ये जो वेबसाइट्स हैं इन सब पे आप लोगों को क्या करना होता है, अब अपना खुद का एक वेबसाइट बनाते हैं और उस पर हम लोग पोस्ट पब्लिश करने लग जाते हैं। तो ये होता है 2.0, यानी कि हम लोग चाहे तो खुद लिखवा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और पहले क्या होता था सिर्फ पढ़ सकते हैं, यानी कि एक ही वेबसाइट पे गए सिर्फ पढ़ने का और आ जाने का बस, लेकिन वहां पे कुछ भी कर नहीं सकते थे। तो अब क्या हो गया है, अब हम लोग खुद वहां पर जैसे कि समझ लीजिए फेसबुक है, फेसबुक का जो मेन एडमिन है जैसे कि मार्क जुगरबर्ग, वो क्या करेगा समझ लीजिए उसको कुछ बताना रहेगा लोगों को तो क्या करेगा पोस्ट छोड़ देगा, सब लोग पढ़ लेंगे, तो वो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो गया कि समझ लीजिए जो करोड़ों लाखों लोग ने उस वेबसाइट पर जाकर के अपना अकाउंट बनाया तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी उस पर समझ लीजिए कुछ अपनी बातें बताना चाहेंगे फोटो के जरिए, कुछ लिख करके तो वो क्या होता है कि समझ लीजिए जैसे कि फेसबुक वाला भी लिख रहा है और जो फेसबुक के जो यूजर्स हैं वो भी लिख रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से ये लिखा लिखी चालू है, यानी कि पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है यानी कि दोनों तरफ से काम चालू है, यानी कि वो भी लिख सकते हैं हम भी लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं 2.0। मैं आपको आसान से आसान भाषा में समझा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और ये ऐसे लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना जो लोग सच में अपनी वेबसाइट को ग्रो करना चाहते हैं, गूगल में रैंक कराना चाहते हैं, फास्ट इंडेक्सिंग कराना चाहते हैं, यानी कि गूगल को टॉप 10 पेजेस में अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ में अपनी
इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन लोगों का हेल्प हो जाए आप लोगों की वजह से इस वीडियो को देख करके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटे पर जिन लोगों ने अभी तक नहीं दबाया तो घंटे पर दबाते टाइम पर ऑल पर टिक करना जरूर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।